सब्सक्राइब कीजिए न्यू साइंस क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू साइंस क्लासेस। मैं चंदन सिंह। आइए देखते हैं अपना मैथ का वीडियो 5.7 का दूसरा वीडियो। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा y इक्वल टू e की पावर x साइन 5x। हमें इसका करना है अवकलन, द्वितीय अवकलज करना है। तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स। e की पावर x को हम रखेंगे f1 f2 से करेंगे, e की पावर x को रखेंगे, साइन 5x का हो जाएगा cos 5x और 5x का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब उसके बाद अब हम f2 को रखेंगे यानी कि साइन 5x को रखेंगे और e की पावर x का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x। फिर इसको हम दोबारा अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा d2y अपन dx2 इक्वल टू 5 को रख लेंगे अलग, e की पावर x को रखते हैं, cos x का जब समाकलन करेंगे cos 5x का तो ये हो जाएगा साइन 5x और 5 का हमें पुनः करना होगा। फिर उसके बाद अब हम cos x को रखेंगे यानी कि cos 5x को रखेंगे और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x हो जाएगा। फिर अब हम इसका करते हैं तो इसका भी वैसे होगा, e की पावर x को हम रखेंगे, साइन 5x का करेंगे तो 5 आगे आ जाएगा और साइन का हो जाएगा cos 5x। फिर अब हम e की पावर x को करते हैं और साइन 5x को रख लेते हैं। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 25 e की पावर x साइन 5x साइन 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस का 5 e की पावर x cos 5x और प्लस का e की पावर x साइन 5x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 5 e की पावर x cos 5x और यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, इस प्रकार से हमारे हो गए 10 e की पावर x cos 5x और फिर ये हो जाएगा माइनस के 25 से इसको माइनस कर देंगे 1, ये आपका हो जाएगा माइनस का 24 e की पावर x sin 5x। फिर अब इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन हमें मिल जाएगा 2 e की पावर x, तो यहाँ अंदर हो जाएगा आपका 5 cos 5x माइनस का 12 sin 5x। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है y बराबर e की पावर 6x cos 3x। हमें इसका अवकलन करना है, द्वितीय अवकलन। ये हो जाएगा dy बाई dx, e की पावर 6x को रखेंगे और cos का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 sin 3x प्लस e की पावर 6x 6 और cos 3x। दोबारा जब इसका करेंगे d2y अपन dx2, इसको मैं विस्तार से बता रहा हूँ, माइनस का 3। अब e की पावर 6x को हमें रखना है और sin x का करेंगे तो हो जाएगा cos 3x और 3x का फिर करेंगे तो उसका हो जाएगा 3। फिर प्लस sin 3x को रखना है, e की पावर 6x का e की पावर 6 हो जाएगा और 6x का फिर 6 हो जाएगा। फिर प्लस अब 6 को बाहर रखेंगे, e 6 को रखेंगे और cos का करेंगे तो cos का हो जाएगा sin
थ्री एक्स, और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा यहाँ पर थ्री एक्स का फिर थ्री, फिर यहाँ पर प्लस, उसके बाद अब हमें कॉस थ्री एक्स को रखना है, तो कॉस थ्री एक्स को हमने रखा, अब e की पावर सिक्स एक्स का करेंगे तो सिक्स e की पावर सिक्स एक्स हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा थ्री थ्री, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा थ्री e की पावर सिक्स एक्स और कॉस थ्री एक्स प्लस सिक्स e की पावर सिक्स एक्स साइन थ्री एक्स, फिर ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन कर देते हैं एटीन e की पावर सिक्स एक्स साइन थ्री एक्स प्लस छछांग छत्तीस e की पावर सिक्स एक्स और कॉस थ्री एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस का नाइन e की पावर सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस एटीन e की पावर सिक्स एक्स साइन थ्री एक्स माइनस अट्ठारह e की पावर सिक्स एक्स और साइन थ्री एक्स प्लस थर्टी सिक्स ई की पावर सिक्स एक्स और कॉस थ्री एक्स। अब साइन वाले पहले कवर करते हैं तो ये माइनस का अट्ठारह है और ये माइनस का नौ, तो ये आपको हो जाएगा ये अट्ठारह है और ये भी अट्ठारह है, तो आपको हो जाएगा माइनस का छत्तीस ई की पावर सिक्स एक्स और साइन थ्री एक्स, और ये छत्तीस प्लस का है और माइनस का नाइन है, तो ये आपको हो जाएगा प्लस का ट्वेंटी सेवन ई की पावर सिक्स कॉस थ्री एक्स। अब इन दोनों से हम नाइन ई की पावर सिक्स एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री कॉस थ्री एक्स और माइनस फोर साइन थ्री एक्स, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा।